दुनिया के हिसाब से अनोखे इंसान। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां आपको हर रंग और हर नस्ल के इंसान मिलते हैं, और ये ऐसे ऐसे अजीबोगरीब लोगों से भरी पड़ी है कि अकल दंग रह जाती है। यहाँ अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके वजूद के मुतालिक यकीन करना बहुत मुश्किल काम है, यानी इन लोगों की जिसामत, खद्दोखाल या रहन सहन ऐसा है जो इन्हें आम इंसानों से मुनफरद बनाता है। इनमें कुछ तो बड़ी मसाइल की वजह से ऐसे हैं जबकि चंद पदायशी तौर पर ऐसी जाहिरी वजाकता के मालिक हैं जो आम इंसानों से मुख्तलिफ है। इनकी यही मुनफरद जिसामत और वजाकता या रहन सहन इनकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बन। आज हम आपको दौरे हाजिर के ऐसे इंसानों के बारे में बताते हैं जो आम लोगों से जरा हटकर हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, निताशा डमकीना। दुनिया के अजीबोगरीब इंसानों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियत रूस की 30 साला निताशा डमकीना है। 17 वर्ष की उम्र से ही इसका दावा है कि इसकी आंखों में एक्से की तरह का विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद अज़ा को बगैर किसी मशीन की मदद के देख सकती है। ये लड़की दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर इसके ज्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। दी गर्ल विद एक्सरे के नाम से ये मशहूर है। निताशा बकायदा मरीजों को चेकअप भी करती है। इसके मरीजों में डॉक्टर तक शामिल हैं जो एक्सरे मशीन की बजाय अपने मराज की तशखीस के लिए इससे राबता करते हैं। निताशा की फीस $50 फी मरीज है और यूं ये अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। मार्च 2014 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलाया और उसका एक टेस्ट भी लिया जिसको निताशा ने बखूबी पास कर लिया। इसको बरतानिया में भी ले जाया गया जहाँ इसने कई मरीजों के मराज की कामयाबी से तशखीस की। उसने खास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदेही की। निताशा कई ममालक के दौरे भी कर चुकी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये माइंड रीडिंग यानी कि टेलीपैथी भी हो सकती या फिर कोई और खुफिया ताकत, लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि निताशा दुनिया की अजीब तरीन लोगों में से एक है। नंबर दो, पृथ्वीराज पाटिल। पृथ्वीराज पाटिल का ताल्लुक भारत के शहर मुंबई के करीब वाकया एक गांव से है। 11 साला पृथ्वीराज को एक बहुत ही यूनिक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको वेयर वुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी वजह से पृथ्वीराज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के खानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेजर ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर तेजी से दोबारा बाल उगाते हैं। इसी वजह से ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं जाता क्योंकि गांव के लोग तो उसे जानते हैं और स्कूल में भी इसके दोस्त उसे आप इंसान की तरह ही समझते हैं। नंबर तीन, गैरी टर्नर। इंग्लैंड से तल्लक रखने वाले गैरी टर्नर इस वक्त दुनिया के वाहिद ऐसे इंसान है जिनके पूरे जिस्म की जिल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि इसकी जिल्द में ये गैर मामूली सलाहियत है तो उसका बेहद मजाक उड़ाया गया। इसकी जिल्द इतनी ज्यादा गैर मामूली है कि पेट पार से ये 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। दरअसल गैरी को एलरस डेनलोस सिंड्रोम नामी बीमारी है। ये एक जिल्दी बीमारी है। इस बीमारी में जिल्द बहुत ज्यादा कमजोर और लचकदार हो जाती है। गैरी टर्नर की यही बीमारी इसकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बनी। इसको इलास्टिक मैन भी कहा जाता है। अम्मू हाजी। नहाना या गुस्ल करना किसी भी जिंदा इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन दुनिया में एक गलीज इंसान ऐसा भी है जिसने पिछले 60 सालों से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जनूबी ईरान के सूबे फारस के गांव दीजागाह से तलक रखने वाला 80 साल ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफा भी नहीं नहाया। एमो हाजी ने 20 वर्ष की उम्र में एक गहरा जज्बाती सदमा पहुंचने के बाद नहाना छोड़ दिया था। उसे दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे कबल भारत के 66 साल कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था जो 38 वर्ष तक नहीं नहाया। चंद्रा बहादुर डंगी।
चंद्रा बहादुर डंगी को इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एजाज हासिल है। 30 नवंबर 1939 को पैदा होने वाला नेपाल का ये पस्त कामत शख्स, जिसका कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट 9.5 इंच जबकि इसका वजन सिर्फ 15 किलोग्राम। 2012 में लकड़ियों के एक ठेकेदार ने जब इसको इसके गांव में देखा तो उसने आलमी मीडिया की तवज्जा इसकी तरफ मबजूल करवाई। यूं चंद्रा एक आम इंसान से सुपर ह्यूमन के दर्जे पर फायज हो गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। उसने भारत के पस्त कामत शख्स गुल मोहम्मद, जिसका कद 1 फुट 10.5 इंच था, का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। चंद्रा के 5 भाइयों में से 3 के कद 4 फुट से कम थे जबकि बाकी 2 भाई और 2 बहनें औसत कद काठ के मालिक थे। चंद्रा का इंतकाल 3 सितंबर 2015 को हुआ। नंबर 6, पीटरक डेवल। मार्च 1962 को पैदा होने वाला पीटरक दुनिया का सबसे ज्यादा मोटा और वजनी इंसान था। अमरीकी रियासत नेब्रास्का से तलक रखने वाले शख्स जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर था के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो 7 बरस तक मुसलसल अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और उसका वजन बढ़ते बढ़ते 1023 पाउंड यानी 486 किलोग्राम तक पहुंच गया। हालांकि इसका कद औसत यानी 5 फुट 7 इंच था, इसकी जिसामत इस कदर बढ़ गई थी कि जब उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उसके बेडरूम की एक दीवार तोड़नी पड़ी और उसके लिए लाई जाने वाली खास एम्बुलेंस भी आम एम्बुलेंस से बड़ी थी और उसके दरवाजे भी एम्बुलेंस से बड़े थे और उस एम्बुलेंस के साथ खास तौर पर रैंप एंड बेंच सिस्टम भी नस्ब किया गया था जो ट्राली नुमा स्ट्रेचर को दाती रोड पर लिफ्ट की तरह खींचकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाता है। सर्जरी के बाद पीटरक का वजन कम करके 350 किलोग्राम पर ले आया गया मगर बदकिस्मती से इसका वजन एक मरतबा फिर बढ़ने लगा क्योंकि वो जंक फूड यानी फास्ट फूड खाने का शौकीन था। बिलाखिर 29 अप्रैल 2016 को वो इस दुनिया को छोड़ गया। इसको हाफ टन मैन भी कहा जाता था। नंबर 7, जैमी कैटन। अजीबोगरीब इंसानों की इस फहरिस्त में जैमी भी शामिल है। 47 साल शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीब स्किन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज चिपका सकता है और ये सिर्फ कोई दावा नहीं बल्कि हकीकत है जिसका मुजाहरा ये काफी अरसे से करता चला आ रहा है। डॉक्टर अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगा सके कि आखिर इसकी जिल्द में ऐसी क्या बात है जो ये कोई भी चीज मकनातीस की तरह अपने साथ चिपका सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये शख्स बीमार नहीं बल्कि बिल्कुल सेहतमंद है। जैमी का इस बारे में कहना है कि इसके सर के बाल गिर रहे थे तो एक दिन उसने सोचा कि वो अपने सारे बालों को शैम्पू कर ले। उस दिन काफी गर्मी थी और उसने अपना सर ठंडा रखने के लिए सर पर ठंडे सोडे का एक कैन रख लिया और बाद में जब उसने वो कैन सर पर से उतारने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो चिपका हुआ है। इसके घर वाले भी बहुत हैरान हुए। जैमी का कहना है कि अब वो अपने पूरे जिस्म पर स्वाय कपड़े के किसी भी चीज को चिपका सकता है। जैमी अमेरिका में बेहद मशहूरत रखता है और ये अब इसका फुल टाइम काम भी बन चुका है। मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स चिपकाने के लिए बकायदा इसको पैसे देती हैं। नंबर 8, एडम रैनर। दुनिया की तारीख में ये वो वाहिद अजीबोगरीब शख्स था जो अपनी आधी जिंदगी में पस्त कामत बोना जबकि बकाया निस्फ जिंदगी में बहुत ज्यादा तवील और कामत रहा। ऑस्ट्रेलिया से तलक रखने वाले एडम रैनर का कद 1917 में सिर्फ 4 फुट 6 इंच था और इसको एक बोना तस्वर किया जाता था। इस वक्त इसकी उम्र 18 बरस थी और छोटे कद की वजह से उसे फौज में भी नहीं लिया गया लेकिन फिर एक दिमागी ट्यूमर के बायस इसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगा। 1920 में एडम के कद में इजाफा शुरू हो गया। 1930 तक इसका कद 6 फुट 9 इंच हो चुका था और वह अभी मजीद बढ़ रहा था। 1950 में मौत के वक्त इसका कद 7 फुट 8 इंच तक बढ़ चुका था और इसके हाथ 9 इंच से भी ज्यादा लंबे जबकि पैर 13 इंच के थे। इसका वजन 241 पाउंड था
کبھی بونا کہلانے والا یہ شخص اس وقت دنیا کے لمبے ترین انسانوں میں شمار ہوتا تھا۔ نمبر 9، لیونٹ سٹیڈنک۔ یوکرائن سے تعلق رکھنے والا لیونٹ دور حاضر کا سب سے زیادہ لمبا انسان تھا۔ اس کا قد 8 فٹ 5 انچ تھا۔ اس کا قد 14 برس کی عمر میں غیر معمولی طور پر اس وقت بڑھنے لگا جب اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا، اور جس کی وجہ سے اس کے گروتھ ہارمونز بڑھنے لگے۔ اس کا وزن 169 کلو گرام تھا اور وہ 24.5 یو ایس سائز نمبر کا جوتا پہنتا تھا۔ 24 اگست 2014 کو 44 برس کی عمر میں اچانک برین ہیمریج کے باعث اس کی موت واقع ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے، اسے اپنا نام گینز بک اور ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروانے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ نمبر 10، پاول کاراسن۔ کیا آپ نے کبھی گہری نیلی رنگت والا انسان دیکھا ہے؟ اگر گہری نیلی رنگت والا انسان کا تصور بھی کیا جائے تو مختلف فلمی افسانوی کردار ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن برطانیہ سے تعلق رکھنے والا پاول کیرس حقیقت میں گہری نیلی رنگت کا حامل شخص۔ 2002 کے لگ بھگ پاول ایک نارمل انسان تھا اور اس کا رنگ بھی عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ پھر ایک دن اس کی جلد پر اچانک سوزش ہوئی۔ جب پاول نے اس کا علاج کروایا تو 2007 میں اس کی جلد کی رنگت تبدیل ہوتے ہوتے نیلی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے ایک دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال کی تھی، جس کی وجہ سے اسے جلد کا ایک سنگین مرض لاحق ہو گیا، اور یوں یہ نیلی رنگت والی جلد پوری دنیا میں اس کی شہرت اور پہچان کا باعث بنی۔ اور یہ شخص 23 ستمبر 2013 کو 62 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ نمبر 11، رالف بکلز۔ کیا آپ نے اپنے جسم میں کوئی نوکدار چیز چبو کر دیکھا ہے؟ عام لوگوں کو تو انجیکشن کی سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، مگر اس شخص کو صرف دیکھنے سے جسم میں ایک عجیب سی تکلیف کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے چہرے اور جسم کو سب سے زیادہ چھیدنے والا انسان ہے، یہ اپنے جسم کو 450 سے زائد جگہوں سے چھید سکتا ہے۔ 11 سال قبل اسے اپنی صلاحیت کا پتہ چلا۔ اس کی یہی صلاحیت دنیا بھر میں اس کی وجہ شہرت بنی، اور یہی اس کی گزر بسر کا ذریعہ بنی۔ مختلف شوز میں یہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بنیادی طور پر وہ ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے۔ نمبر 12، زو زینوان۔ چین سے تعلق رکھنے والے زو زینوان کی وجہ شہرت بھی بہت عجیب تھا۔ یہ صرف 2 برس کا تھا جب اس کے پورے جسم پر بال بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اسے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ زو کے کل جسم کے 96% حصے پر غیر معمولی بال ہیں۔ اس نے اس جھنجٹ سے بچنے کے لیے کئی سرجریز بھی کروائیں، مگر بالوں کی بڑھوتری نہیں رکی۔ زو کی یہی مشکل اس کی عالمی شہرت کا باعث بنی۔ نمبر 13، ڈیڈی کوسوارا۔ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے ڈیڈی کوسوارا کو بھی ایک عجیب و غریب مرض لاحق ہے۔ اس کے گھٹنے پر خارش ہوئی، اور اسے کھجلانے کے بعد اس کے جسم، خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں پر، مسے نکلنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مسے جسم میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ لکڑی نما عجیب سی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ اب اس کے ہاتھوں پیروں پر یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کسی درخت کی چھال اور لکڑی، اس لیے اسے ٹری مین کے نام سے بھی جانا جاتا۔ تصور کیا جاتا ہے کہ ڈیڈی نے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے بے شمار سرجریز بھی کروائیں تاکہ وہ اپنے بڑھائی کے پیشے کو جاری رکھ سکے، مگر 2016 میں ڈیڈی کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 14، جان ٹیٹر۔ 2000 سے 2001 تک ایک امریکی شخص جان ٹیٹر نے عجیب و غریب دعویٰ کیا کہ وہ ایک امریکی فوجی ہے، اور اس کا تعلق 2036 کے زمانے سے ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی کا سفر کرتا ہوا موجودہ زمانے میں داخل ہوا ہے۔ 20 نومبر 2000 کو اس شخص نے ایک انٹرنیٹ فورم پر لکھا کہ میرا نام جان ٹیٹر ہے،
और मैं एक अमरीकी फौजी हूँ। मैं सन 2036 से टाइम मशीन में बैठकर 1975 के ज़माने में गया, अब सन 2000 के ज़माने में रुका हुआ हूँ। उसने कहा कि वो एक हुकूमती मिशन पर है। देखते ही देखते ये शख्स सारे अमरीका में बेहद मशहूर हो गया। जॉन टीटर ने एक मशीन की तस्वीर भी इंटरनेट पर पोस्ट की और दावा किया कि यही टाइम मशीन है। इस शख्स का अमेरिका के नेशनल रेडियो पर इंटरव्यू भी किया गया, जिसमें उसने कई पेशीन गोइयां की, जैसा कि 2004 में अमेरिका में सिविल वार होगी और उसके नतीजे में 2008 में अमेरिका 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसकी पेशीन गोइयां के मुताबिक 2015 में तीसरी आलमी जंग अजीम बर्पा होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम देखते हैं कि ये पेशीन गोइयां पूरी नहीं हुई। इसके बाद ये शख्स अचानक ही मंजर से गायब हो गया। नंबर 15, एडी हॉल। एडी हॉल जो बरतानिया से तलक रखता है, इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला इंसान समझा जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ये 500 किलोग्राम वजन उठा चुका है। दुनिया में हर साल मिस्टर स्ट्रॉन्ग मैन की तकरीब होती है। एडी इस तकरीब का बेताज चैंपियन है। इसको इतना वजन उठाता देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अमानत अली अंजरा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर काला कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।